हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग कुछ ऑटोकैड 3D के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोकैड 3D में बैकग्राउंड कैसे सेंड में और मींस ऑटोकैड में बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे ये हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 3D में जाना पड़ेगा। वर्क स्पेस पर क्लिक करिए दोस्तों और 3D मॉडलिंग पर क्लिक करिए। सबको पता है कि 3D मॉडलिंग क्लिक करते हैं हम लोग। अभी आपको ये पता है क्या 3D मॉडलिंग और 3D बेसिक्स में डिफरेंस क्या है? पहले दोस्तों 3D बेसिक्स आया, फिर 3D मॉडलिंग आया। 3D बेसिक्स में 3D की कमांड ज़्यादा है, 2D की कमांड्स कम है यहाँ पे रिवन पैलेट में, इसलिए 3D बेसिक्स के बाद 3D मॉडल मॉडलिंग आ गया। तो इसमें 3D और 2D, देखिए पूरा 2D का कमांड से पूरा 3D का कमांड से ये साथ में दोनों दे दिया गया, ये फायदा होता है। दोस्तों जो हम लोग को देखना है वो ये है कि जैसे कभी हम लोगों ने देखा होगा विजुलाइज, यहाँ पे आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ पे क्रिएट लाइट्स होते हैं, मीन्स यहाँ से आप लोग लाइट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसको लेने के बाद मैं एक वीडियो मैंने डिस्कस भी किया है लाइट और कैमरा के बारे में, आप सर्च कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड लाइक ऑटोकैड में बैकग्राउंड को कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मेनू, सॉरी यहाँ पे आना क्विक एक्सेस बार में और यहाँ पे शो मेनू बार, ठीक है, शो मेनू बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे व्यू पे क्लिक करिएगा और व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आइएगा नेम्ड व्यू पे। कहाँ पे? नेम्ड व्यू। तो नेम्ड व्यू पे जैसे आप आएंगे और नेम्ड व्यू पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे होता है न्यू और इसका नाम आप दे सकते हैं। इसका नाम हमने एक्स वाई जेड कुछ भी रख दिया। और नाम देने के बाद यहाँ पे आप बैकग्राउंड में जो भी चाहिए, जैसे कि आपको एक कोई कलर चाहिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, कलर दे सकते हैं, ग्रेडियंट दे सकते हैं। ग्रेडियंट मीन्स ब्लाइंडनेस ऑफ टू कलर, दो कलर को मिक्स करके इमेज और सन और स्काई, सन स्काई का लाइट देना है तो ठीक है, अदरवाइज इमेज। चलिए एक बार सन स्काई देख लेते हैं फिर इमेज देखेंगे। थोड़ा सा सन स्काई में हैंग करेगा और इमेज में भी थोड़ा हैंग करता है क्योंकि 3D आपका थोड़ा सा हैंग तो करता ही है। ठीक है, यहाँ से 3D अगर होता मतलब हमको इमेज लगाना होता तो हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं, बट अभी देखो सन स्काई का कैसे ही फिट आ रहा है ऐसा। पर दोस्तों अभी हमारे पास कोई भी लाइक मतलब हमने कोई मॉडल नहीं बनाया, उससे बेटर कि हम लोग एक इमेज ले लें तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। इमेज लिया हमने और इमेज लेने के बाद यहाँ पर बता दीजिए कि कौन सी इमेज लगानी है आपको। तो जैसे कि मेरे पास कुछ मटेरियल्स रखे हुए हैं इमेज के, तो यहाँ पे दिस पीसी में क्लिक करिएगा और यहाँ पे 3ds Max, बैकग्राउंड मान लीजिए हमने ये ले लिया बैकग्राउंड इस तरीके का और इसको ओपन किया। अभी देखिए बैकग्राउंड यहाँ पे लग गया, इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट? ये देखिए, ओके ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो ऐसा। ठीक है, मतलब कि आपको जैसे भी एडजस्ट करना है एडजस्ट कर सकते हो ऐसा। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी स्केल कर सकते हैं, इसको स्केल करके मीन्स बड़ा छोटा इस तरीके से जितना भी बड़ा आपको रखना है रख के ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप बाहर आएंगे, ठीक है, अप्लाई, ओके। अभी तो आपको कुछ दिखा नहीं, आप बोलोगे सर बैकग्राउंड तो कुछ दिखा नहीं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू को ऑन करना पड़ेगा। और रियलिस्टिक व्यू को ऑन करते ही अगर आप देखेंगे तो आपके पास इमेज आ चुकी है। ठीक है, आप ग्रेड को भी आप ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से आपको पता है ग्रेड को भी ऑफ रख सकते हो। देखिए इमेज आपके पास आ चुकी है, तो आप इसके ऊपर अगर आपके पास कोई 3D होम रखा है आप तो आप रख सकते हो, अदरवाइज में एक तरीका और बताता हूँ। यहाँ पे जाइए टॉप पे और टॉप पे जाके एक्स वाई जेड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड करते ही जैसे आप यहाँ पे रियलिस्टिक करोगे तो भी आपका ग्राउंड आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।